पंजाब च करोना वायरस के फैलाव के दौरान सिविल ते पुलिस अधिकारी भी वड्डे पद्धर से लाग का शिकार होए हन। सेहत विभाग के मुताबिक 13 PCS अफसर, एक जिला पुलिस मुखी समेत अद्धी दर्जन पुलिस कर्मचारी ते 2 सिविल सर्जना समेत 7 सेहत कामे लाग का शिकार होए हन। सूबे में लंघे 24 घंटे दौरान 5 मौतां ते 234 सजरे मामले सामने आने नाल महामारी कारण मरण वाले की गिनती 183 तक पहुँच गई है, जबकि कुल केसा की गिनती 7140 तक कपड़ गई है। सेहत विभाग के सीनियर अधिकारियों ने दसिया है कि सिविल ते पुलिस अधिकारियों च वधदे मामलों नूं गंभीरता नाल लैंदे पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही भी समूह अधिकारियों नूं दफ्तरां च सावधानी वरतन दीआं हदायतां दित्तीआं हन। सेहत विभाग के अधिकारियों का दसना है कि सिविल ते पुलिस अधिकारियों ने पिछले कई हफ्तों तो मीटिंगां दा सिलसिला वधाया होया सी। PCS अधिकारियों च भी 3 जुलाई में चंडीगढ़ च एक मीटिंग मगरों लाग फैली होने का खदशा प्रगटाया जा रहा है। इस तरह पुलिस अधिकारियों वालों भी मीटिंगां कीतियां जा रही हैं, पर लोड़ीदियां सावधानियों नूं नज़रअंदाज किया जा रहा है। सेहत विभाग दीआं रिपोर्टां दे मुताबिक हुण तक सूबे विच वख-वख थाईं तैनात 8 SDM समेत कुल 13 PCS अफसर करोना की लपेट च आए हैं। नगर निगम से तैनात अफसरों से लाग के लक्षण सामने आने तो मगरों स्थानक सरकार विभाग के कई दफ्तर बंद किए गए हैं। चंडीगढ़ स्थित पंजाब के सिविल सकत्रेत भी अद्धी दर्जन के करीब मुलाजम लपेट च आ चुके हैं। सरकार ने स्थिति भांपद्या विभागी मुखियों दफ्तर च मुलाजमान की हाजिरी घट कर हिदायत जारी की। जेकर गल जलंधर की की जाए तो जलंधर देहाती जिले के दे पुलिस मुखी की रिपोर्ट भी करोना पॉजिटिव आने तो बाद पुलिस अफसरों भी सावधानियां वरतन दीआं हिदायतां दित्तियां गईआं हन। संगरूर अते पठानकोट के सिविल सर्जन करोना के शिकार हो चुके हैं। सेहत विभाग मुताबक हुण तक 100 तो वध सेहत कामे लाग का शिकार तो होए हैं, पर इन्हां चों ज़्यादातर सेहतयाब भी हो चुके हैं।